हम लोगों का पता क्या सीन हो गया है, हम लोग दो दिन से सोए नहीं थे तो आज सो गए, और वो भी सुबह में 6:30 पे हमें उतरना था, बट हम लोग 6:30 के बाद तक सोते रहे और अब हो रहा है 7 से ऊपर का टाइम, और ट्रेन जो है वो हमारे जिस स्टेशन पे मेरे को उतरना था उससे आगे आ चुकी है। हम लोग पहुँच चुके हैं वैष्णो माँ के दरबार, यानी कि कटरा जहाँ पर ट्रेन रुकती है, वैष्णो माँ के दरबार में जाते हैं, तो वहाँ पर अब ट्रेन रुकेगी, आगे चली रही है अभी इधर में, तो अभी फिलहाल वहाँ पे उतरेंगे और उसके बाद हम फिर से सोचेंगे दरबार में जाना या नहीं जाना, और जाएंगे तो जाएंगे अलग से ब्लॉग बनेगा, और नहीं जाएंगे तो वहाँ से वापस आएंगे, फिर हम चलेंगे जानू भाई के घर की तरफ, तो अभी रुकेगी ट्रेन, उतरते हैं फिर। वैसे हमारी ट्रेन तो गड़बड़ हो ही गई थी, और फिर हम आगे स्टेशन पे उतरे, हालांकि कटरा तक नहीं गए, बीच में एक स्टेशन पे रुकी, वहाँ पे हमने जल्दी जल्दी दूसरी ट्रेन पकड़ी, और यहाँ पे अब हम लोग आ चुके हैं जम्मू तवी स्टेशन पे और उतर चुके हैं, और ये गड़बड़ हुई थी इस वजह से क्योंकि यहाँ पे जो है हमारे एरिया की जो यूपी वगैरह की किसी भी जो स्टेट है उसकी सिम यहाँ चलती ही नहीं है जम्मू में, तो इसी वजह से ये गड़बड़ हुई थी, तो हमने अब नई सिम ले ली है, और किसी को अगर मेरे से कांटेक्ट में दिक्कत आ रही है तो मेरे ही नंबर पे ना लगा के, जो नया नंबर मैंने व्हाट्सअप डाला उस पर करते रहें आप कांटेक्ट मेरे से, और मैं कोशिश करूँगा। तो अब चलता हूँ, पहले स्नान वगैरह करूँगा, थोड़ा सा चेहरा भी ऐसा हो रखा है, स्नान वगैरह कर लेता हूँ, उसके बाद चलता हूँ मैं भाई के घर पर। हम लोग भी भाई के घर पर आ चुके हैं, अब बेल बजा दी है, देखते हैं कोई आता है तो क्या घर। हम जानू भाई के घर पे हुआ हैं, और उनकी मम्मी जी से ही बात हुई है हमारी, अभी फिलहाल भाई थे ही नहीं और उनसे बात भी नहीं हो पाई, और उनकी मम्मी का बिहेवियर जो था वो एक नंबर, भाई मैं क्या ही नंबर दूँ उनके बिहेवियर को यार, उनका बिहेवियर ऐसा था ना, उन्होंने हमारे साथ ऐसे व्यवहार किए जैसे ना कि एक रिलेशनशिप वाले से आप करते हैं, दिल से रिलेशन होता है ऐसा व्यवहार, ऐसा लगा ना कि हम लोग उनके दिल से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हमसे एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि 3-4 बार खाने को भी पूछ लिया, और नाश्ते को तो हमेशा पूछता ही है, एक भारतीय संस्कृति में ये तो होता ही है यार। मुझे बहुत ही अच्छा लगा उनसे मिलकर, ऐसा लग रहा था कि यार मतलब मैं किसी रिश्तेदार के यहाँ हूँ अपने। थैंक यू, लव यू जानू भाई, हम फिलहाल आपसे मिलेंगे ज़रूर, और जानू भाई ने हमसे कहा भी है कि हम एक दो दिन के अंदर आपसे मिलेंगे, उनकी जो मम्मी जी हैं उन्होंने बात की थी कॉल पे, तो हमने भी हमसे भी करवाई है, और उन्होंने कहा कि हम मिलेंगे आप लोगों से कल या परसों में, हो सकता है मुलाकात हो तो हम ज़रूर ही आप लोगों को दिखाएंगे वीडियो में आगे वाली आने वाली में, तो बने रहिए हमारे साथ, और वीडियो को शेयर भी करते रहिए, सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, क्योंकि जानू भाई से हम लोग मिले बिना जाएंगे नहीं जम्मू से, तो तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, और हाँ जानू भाई लव यू भाई, आपकी माँ ने जो हम लोगों को प्यार दिया उसके लिए सैल्यूट है भाई।